श्री केदार हर हर महादेव। मुंबई का फैशन केदार का मौसम। भैया मैं आया हूँ घर से भाग के, मेरे घर के वाले भेज नहीं रहे थे मुझे। मैं बोलो को सबसे ज्यादा मानता हूँ, हरिद्वार भी मैं भाग के आया था, अब यहाँ भी भाग के आऊँ। अब मैं अपने घर को फोन करूंगा, अब बताऊंगा मैं यहाँ पे केदारनाथ हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ अरविंद शुक्ला, इस समय ठीक बाबा आसपास की नगरी केदारनाथ धाम से। यात्री की सुविधा के लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, आप रह सकते हैं। बाबा की जय जयकार करते हुए भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं भीमशिला की ओर। इस समय मैं खड़ा हूँ मंदिर के पीछे, ठीक भीमशिला के सामने। आप देख लीजिए, यही भीमशिला जो है, यही 2013 में जब आपदा आई थी तो यही गार्ड किया था मंदिर को, यही सुरक्षा करा था। देख लीजिए यहाँ पे कई टेंट लगाए यात्रियों ने। यहाँ का मौसम कभी भी करवट बदल सकता है, कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी धूप है कभी छांव है। देख लीजिए आज लोग यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जाने जगह हैं। 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं केदारनाथ में आज यहाँ पे बर्फ गिर रही है, -6 डिग्री टेम्परेचर इस समय है। भक्त लोग देखिए लाइन में खड़े हैं। अब हम जा रहे हैं शंकराचार्य समाधि की ओर, लेकिन मंदिर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। देख लीजिए चारों तरफ समय बर्फ गिर रही है, कड़ाके की ठंड है। इस समय मैं हूँ शंकराचार्य समाधि स्थल के पास। यहाँ से आपको केदारनाथ का व्यू दिखाता हूँ मैं। आप देख लीजिए चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, पहले तो पुरानी बर्फ गली नहीं, नई पड़नी शुरू हो चुकी है। प्रत्येक दिन शाम को यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, मौसम काफी ठंडा होता जा रहा है। यही तो शंकराचार्य की समाधि है, आपको ले चलता हूँ समाधि के अंदर। ये रास्ता है शंकराचार्य समाधि स्थल जाने का। ये देख लीजिए, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। शंकराचार्य जी की मूर्ति देखिए, पूरे काले पत्थर से है। देख लीजिए बाबा लोग प्रसाद ले रहे हैं, बोले शंकर का जय बाबा बिन्नारी। बाहर बहुत ठंडे है, बर्फ पड़ रही है, इसलिए बैठे सभी दोस्त लोग हम चाय का आनंद ले रहे हैं। मैं भक्त लोगों को कहना चाहूंगा, जो तीर्थ यात्री आने वाले हैं या आ रहे हैं या रास्ते में हैं, तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आए, गर्म कपड़े साथ में लेके आए। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये अमृत कुंड है। यहाँ पर भगवान शंकर के ऊपर जो चलाया गया जल है वो यहाँ पे आता है, लोग अमृत के रूप में इसे लेते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम केदार उदको पित्त पुनर्जन्म न भिद्यते। देख लीजिएगा ये मंदिर के चाताल में अभी भी बर्फ है और फिर से बर्फबारी हो रही है। बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर कोई नहीं, बाबा की नगरी है। भैया मैं आया हूँ घर से भाग के, मेरे घर के वाले भेज नहीं रहे थे मुझे। मैं बोलो को सबसे ज्यादा मानता हूँ, हरिद्वार भी मैं भाग के आया था, अब यहाँ भी भाग के आऊँ। अब मैं अपने घर को फोन करूंगा, अब बताऊंगा मैं यहाँ पे केदारनाथ हूँ। मैं मेरठ से आया हूँ बाइक से, दुराला से अकेला ही। इस समय बाबा केदारनाथ की नगरी में बर्फबारी हो रही है, भक्त लोग फिर भी लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए भक्तों की लाइन लगी हुई है श्रृंगार दर्शन के लिए और आरती दर्शन के लिए। ये देख लीजिएगा कितनी जोर से बर्फबारी हो रही है, फिर भी भक्त रुक नहीं रहे हैं, सीधे मंदिर में जाने की सोच रहे हैं। देख लीजिएगा अभी भी लगातार बर्फ पड़नी शुरू है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, नहीं ले रही। चंडी महाराज हैं, भगवान शंकर के वाहन हैं। अभी देख लीजिए सामने मेन दरवाजा है, यहीं से भक्त लोग अंदर प्रवेश करते हैं।
ये देख लीजिएगा मंदिर के चारों तरफ बर्फ जमनी आरंभ हो चुकी है। इतनी बर्फबारी में भी भक्तों का आना रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा है। जय केदार। देखो बाबा लोग यहाँ पे धुनी रमाए हुए हैं। श्री केदार हर हर महादेव। मुंबई का फैशन केदार का मौसम। ये देख लीजिए पूरब दरवाजा है, यहाँ से यात्री लोग बाहर आते हैं दर्शन के बाद। ये ईशानेश्वर मंदिर है क्योंकि अभी निर्माणाधीन है। ये देख लीजिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। अभी 5 बजे मंदिर जो खुले हैं, कपाट खुले हैं श्रृंगार आरती दर्शन के लिए। सभी भक्त लाइन में खड़े हैं, एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। देख लीजिए मंदिर के कपाट एक बार फिर से देख लीजिए, बर्फबारी चारों तरफ से हो रही है, फिर भक्तों को उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तीर्थ यात्री हैं जिनमें इतनी श्रद्धा है, इतनी बर्फबारी के बावजूद भी लाइन में खड़े हैं, अभी तक बाबा के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आए। देख लीजिए कि कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी है। और आगे के जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, यहाँ प्लानिंग कर रहे हो, तो अपडेट जान करके ही आइए और अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य ले आइए। देख लीजिए भक्त लोग, यात्री देख लीजिए इन टेंटों में सोए हुए हैं। अगर आप केदारनाथ में पहुंचते हैं तो यहाँ पे रहने खाने की कोई असुविधा नहीं, सस्ते रेट पे यहाँ पे खाना मिल जाता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने के होटल हैं, तिवारी होटल एक बहुत पुराना होटल है। ये पूजा प्रसादी की दुकानें यहाँ पर हैं। ये देख लीजिए कितनी बर्फ जम चुकी है, धीरे धीरे बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है, खूब जोर से बर्फबारी हो रही है। देख लीजिए भक्त लोग ऐसे में चल रहे हैं, खूब जोर से बर्फबारी हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि केदारनाथ के बारे में अपडेट मिलता रहे। जय बाबा केदारनाथ, जय मां दुर्गे।